हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ निशी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ नारियल पुदीना की चटनी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए एक गड्डी धनिया, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है। आधी गड्डी पुदीना चाहिए वॉश करके क्लीन की हुई। आधा नींबू का जूस चाहिए हमें। 2 लहसुन की कलियाँ। हरी मिर्चें चाहिए हमें। 50 ग्राम हमने यहाँ पे नारियल यूज़ किया है। फ्रेश कोकोनट हमने यूज़ किया है यहाँ पर। साथ ही हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार। अब हम मिक्सर की जार में सबसे पहले नारियल, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और नींबू का जूस डाल करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से ग्राइंड करना है और साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। इसे फिर से मिक्सर की जार में चला देंगे। अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे और पुदीना ऐड करके हम इसे मिक्सर की जार में फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड करेंगे। 2 से 3 मिनट बाद देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से हो चुका है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। इसका अच्छे से हमें पेस्ट बनाना है मिक्सर की जार में। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, जो धनिया की पत्ती हमने दिखाई थी। इससे इसका कलर और भी अच्छा हो जाएगा। और धनिया की पत्ती ऐड किए हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्सर की जार में ग्राइंड करेंगे। देखिए ये ग्राइंड करके हो चुका है। हमारी चटनी जो है वो बन करके रेडी है और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप इस चटनी को फिश के साथ खा सकते हैं, पकोड़े के साथ खा सकते हैं, भजिया के साथ खा सकते हैं, या फिर नॉर्मल अपने लंच या डिनर के साथ भी इन चटनी को खा सकते हैं। आपका फूड जो है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो आप इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।